ॐ अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महाबुधानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमी गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोसुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने पिछली बारी का विश्राम किया था, विधाता ने एक जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, यानी ब्रह्मा की सृष्टि में गुण और दोष दोनों मिलेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा या कोई प्राणी जिस पे दोष ना हो। अब दुष्टों का स्वभाव क्या, केवल दोष दर्शन करना। ठीक है, दोष है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आप उसका चिंतन करोगे ना तो पता क्या होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा और वो क्रोध आपके पतन का कारण बनेगा। तो क्या करे, थारे के अंदर भाने को न को गुण दिया, तुम अपनी चिंता करो कि मेरे दोष दूर हुए कि नहीं हुए, मेरा प्रेम कितना प्रभु के प्रति बढ़ रहा है उसकी चिंता करो, मेरा प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा। जो गलत कर रहा है अपने कर्मों से वो भुगतेगा, हमें उसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है, न उसकी चर्चा करने की जरूरत है। तुम अपने भजन को देखो, अपने दोषों को देखो और उसको सुधारने की चेष्टा करो, तभी आप सुधर पाओगे, अन्यथा आप नहीं सुधर पाओगे। हर एक के अंदर गुण भी है, ठीक है, दोष है, लेकिन ये तो नहीं कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। कोई ना कोई गुण तो होता ही, ऐसा भगवान ने किसी को रचा नहीं जिसके अंदर कोई गुण ना हो। कहता है दूसरों के अंदर गुण देखने के लिए अपने अंदर गुण होना चाहिए। अगर हम दूसरों में गुण ना देखेंगे, दोषी दोष देखेंगे, हम अपना ही पतन करा के लेंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। किंतु संत रूपी हम दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन संत क्या करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं और दोष का परित्याग कर देते हैं। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं तो दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है, यानी प्रभु की जब कृपा होती है भजन करते करते। देखो सब कुछ समर्पण के ऊपर है, आप संत के प्रति कितने मात्रा में समर्पित हो, श्रेष्ठ मान तो समर्पित हो तो उसके वाक्यों को गंभीरता से लोगे, लियोगे और अपने में धारण करने की चेष्टा करोगे। तो कहते हैं जैसे जैसे अंतकरण की शुद्धि होती है, तो कहते हैं कि ये बात हृदय में उतरनी शुरू होती। विधाता जब इस प्रकार हंस का से वेग देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन दोनों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। ऐसा बहुत दफा देखा गया है, अच्छे अच्छे लोगों से गलतियां हुई है या होती है या होती रहेंगी। ऐसा नहीं क्योंकि माया बहुत प्रबल है और हमारा 100% समर्पण नहीं है तो कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेंगी। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, तो भक्त होते हैं वो स्वीकार करते हैं मेरे से गलती हुई है और उसको सुधारने की चेष्टा करते हैं आपका भजन बढ़ा के। अगर भजन नहीं बढ़ाओगे, स्वीकार नहीं करोगे मेरे अंदर कमियां है, तो आप कभी सुधर नहीं सकते। और अक्सर यही होता है कि लोग कभी मानते नहीं कि मेरे अंदर कमियां है, मुझे सुधरना, दुर्भाग्य यही है। मैं देखता हूँ हम दूसरों में देखते हैं उसको सुधरना, लेकिन मैंने सुधरना ये कोई नहीं देखता। तब दोषों को छोड़कर मन गुणों अनुरक्त होता है।
काल स्वभाव और कर्म के पहलों की साधु बायकश्मे होकर कभी कभी भलाई से चुक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उच्चों को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल जा देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। तो ऐसा देखा गया है कि दुष्ट भी कभी कभी अच्छा संग कर लेते हैं भक्तों का, तो उनके अंदर भी कुछ गुण दिखाई दे देते हैं, लेकिन उनका स्वभाव जो है बुरा नहीं मिटता। क्यों नहीं मिटता? दीर्घ काल तक सत्संग करोगे और निरंतर भजन करोगे तभी स्वभाव में परिवर्तन आता है। कभी कभी करोगे दो चार घंटे, छः घंटे, दस घंटे, एक आध दिन तक उसका असर रहता है, फिर वही परिस्थिति होती है। लंबे समय तक कोई नहीं करता। और दूसरी चीज है, भजन भी लगातार करता रहेगा तभी जीवन में बदलाव दिखाई देगा। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन में चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपड़ नहीं निपता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हल हुआ। तो कहते हैं वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के पर जगत पूछता है। तो कहते हैं अगर दुष्ट भी अगर साधु का रूप बना लेते हैं तो उनके भी जगत पे पूजा होती है, उनको मान सम्मान मिलता है, परंतु एक दिन में चौड़े आ जाते हैं, क्योंकि आचरण नहीं सुधरता, इसलिए उनकी क्रिया दिखाती है कि संत नहीं है। वेश तो बना लेते संत का, लेकिन क्रिया से पता चलता है कि अभी संत बने नहीं है। अंत तक उनका कपड़ नहीं दिखता, क्योंकि स्वभाव आएगा ही आएगा, भाव कितना भी आप दबा लो छुपा लो वो आएगा ही आएगा। काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। काल नेमी साधु का रूप धारण करके हनुमान जी के मार्ग को रोकने की चेष्टा करता है और वो भी राम कथा सुनाता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य का नष्ट होना, कि हनुमान जी ना जाए और या विलंब हो जाए और भूषण जी बूटी ना और लक्ष्मण जी अपने प्राणों को खो बैठे, तो ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य का नाश करना, क्योंकि लक्ष्मण जी रहेंगे, राम जी रहेंगे, राम जी सीता जी रहेंगी। तो और हनुमान जी जब कथा सुनाते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य बढ़ता है, और कालनेमी भी राम कथा करता है लेकिन ज्ञान भक्ति और वैराग्य को नष्ट करने के लिए करता है। करते दोनों राम कथा है, लेकिन दोनों की कथा में बड़ा अंतर होता है। जिसकी कथा से ज्ञान भक्ति और वैराग्य बढ़े तो समझो राम के पक्ष का है, जिसकी कथा सुनने से ज्ञान भक्ति और वैराग्य नष्ट और समझो रावण के पक्ष वाला है। हनुमान जी उनके कपट को पहचानते हैं और उनका वध कर देते हैं। रावण भी साधु का रूप धारण करके सीता का अपहरण किया, और राहु ने भी क्या किया था, देवता का रूप धारण किया था। समुद्र मंथन में से जब लास्ट अमृत उत्पन्न होता है तो एक पंक्ति में देवता बैठ जाए, एक पंक्ति में राक्षस बैठ जाते हैं। प्रभु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू करते हैं। अभी सारे राक्षसों में केवल इस राहु ने पहचाना कि तब भगवान विष्णु हैं, बाकी कोई नहीं पहचान सका। तो उन्हें क्या किया, देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गए। भाई दोनों के बीच क्यों बैठे, शुरू में क्यों नहीं? अगर शुरू में बैठूंगा तो परोसने वाले का ध्यान मेरे प्रति जाएगा, लास्ट में बैठूंगा अगर उसे मुझे पहचान दिया तो कहेगा खत्म हो गया। तो बीच में बैठने का मतलब कि मेरे को दिए बगैर वो आगे जाएगा नहीं। और दूसरा भाव यह कि प्रकाश के आड़ में अंधकार छुपा हुआ, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रभु जब वितरण कर रहे थे अमृत को, सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि ये तो राहु है। उन्होंने जब भगवान विष्णु ने उनको मोहिनी रूप में उसको अमृत पिलाया, तब भगवान ने सुदर्शन चक्कर लेके उसका गला काट दिया। तो ऐसा क्यों किया? क्या प्रभु जानते नहीं थे कि ये राक्षस है? प्रभु जानते थे, अगर जानते थे तो अमृत क्यों पिलाया? कहते इतने राक्षसों में इसी ने मुझे पहचाना, जो मुझे पहचानता है मेरे को जानने का फल अमृत ही तो होता है, इसलिए मैं अमृत लाया। फिर वध क्यों किया? क्योंकि इसने कपट का रूप धारण किया था,
प्रभु कहते जैसा हो उसी स्थिति मेरे पास आओ, जो नहीं है वो दिखाने की चेष्टा मत करो। उसने कपट का रूप धारण किया, इसलिए मैंने उसका वध किया। अब इसके शरीर के दो टुकड़े तो हो गए, प्रभु ने इसे ग्रह की उपाधि दे दी, लेकिन इसके मन में क्रोध आ गया, वैर हो गया चंद्रमा और सूर्य के प्रति, इन्हीं के कारण मेरा गला कटा। इसलिए वो बार बार इनको आक्रमण करने आता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ये अलग बात है कि भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो बात अलग है। लेकिन उन्हें वैर के कारण उनको पीड़ा पहुंचाता है, बार बार आता है। मुझे बताओ क्या जरूरत पड़ती चंद्रमा और सूर्य को कहने की कि प्रभु इसको मत पिलाओ। उनको विश्वास होना चाहिए ये भगवान विष्णु हैं, ये अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर भगवान पिला रहे तो उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य होएगा, हमें चुपचाप रहना चाहिए था। लेकिन समस्या कब आती, मुझे मिले उसको ना मिले, तभी तो वैर उत्पन्न होता है। मुझे मिले और दूसरे को ना मिले तभी तो वैर उत्पन्न होता है, और वही हुआ। उसका ही परिणाम आज तक भुगत रहे चंद्रमा सूर्य। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत पर जामन और हनुमान जी का हुआ। तो जामन और हनुमान जी को सुंदर तो नहीं देखने में, एक रीछ है और एक वानर है, लेकिन उनका सम्मान क्यों होता है, उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त है, नाम दिष्ट है, उनके हृदय में सीताराम जी प्रकाशित है, इसलिए वो पूजनीय हो जाते हैं। यानी तो मतलब कि सुंदर कब लगता है, जिसके हृदय में प्रभु प्रकाशित होते हैं वही वास्तव में सुंदर है, और जिसके हृदय में प्रभु नहीं प्रकाशित है वो कभी देखने में सुंदर सा लगता है, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं होता, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं होता तो वो देखने लायक ही नहीं है। तो देखने लायक कौन होता है, जो भक्त होता है, जो भजनानंदी होता है वही देखने लायक होता है, जो अभक्त होता है, प्रभु से विमुख होता है, वो देखने लायक नहीं होता। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक का वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वही नीच नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। देखो, एक के संग से धूल आकाश में उड़ती है पवन के संग से, और वही जल के संग से कीचड़ बन जाती है। तो वही एक के संग से भक्त के संग से जीव का उद्धार होता है, और वही कुसंग करने से, दुष्टों का संग करने से उसका पतन होता है। तो हमको चुनना है कि हमें किसका संग करना है, हमें उठना है कि हमें अपना पतन कराना है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो मतलब क्या है, साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, तो तोता और मैना वही चीज बोलते हैं जो वो उस घर में सुनते हैं। देखो श्रवण में कितनी शक्ति है, क्या आप बोलते हो, यानी पक्षी तक उसको से लाभ उठाते हैं, और राम राम बोलते हैं तो तोता मैना भी राम राम बोलना शुरू करते हैं, अब गाली गलौज करते हैं तो वो भी वही सीख लेते हैं। तो पता चलता है कि दुष्टों घर से कि सज्जन के घर से आए हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। धुआं तो काला ही है, कालिक कहलाता है, लेकिन अच्छा संग मिल जाए तो शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला होता है। ये सारा खेल संग का है, आप किसका संग करते हो, उस जिसका श्रेय संग करोगे तुम्हारा उद्धार होएगा, और संग नहीं बराबर होएगा तो तुम्हारा पतन होएगा। तो हमको बहुत सावधान होना चाहिए कि हम किसका संग करें। अगर साधु संग नहीं मिल रहा है तो ग्रंथ का संग करो, माला का संग करो, हरिनाम करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे साधु संग मिले, भगवान व्यवस्था करेंगे। अगर जीव अंदर से गंभीर है, सिंसियर है, वो वास्तव में साधु संग करना चाहता है, तो प्रभु उसको वंचित कभी नहीं करते, उसके पास साधु संग भेजते भेजते।
क्योंकि जीव संसार ने वो करना नहीं चाहता। वो मुंह से सब बोलता है, बोलते सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, करना नहीं चाहता। तो उसके हृदय के अनुसार भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। ग्रह, औषधि, जल, वायु, अवस्था, ये सब भी कुसंग असुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दो पखवाड़ों में उजाला अंधेरा समानी होता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ला और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। मतलब क्या होता है, शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? अमावस्या से लेकर पूर्णिमा का जो समय होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष कैसे कैसे कहते हैं? पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक जो होता है वो होता है अपना कृष्ण पक्ष। चलो, एक को यश एक अपयश, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, ये चीज क्यों लिखे गया? हम शुक्ल पक्ष पे कब होते हैं? जब हमारे जीवन का भजन बढ़ता है तो हम शुक्ल पक्ष में। कब तक बढ़ना चाहिए? जब तक पूर्णिमा यानी भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक हमको भजन बढ़ाते रहना चाहिए, जितना हो सके करते रहना चाहिए, अधिक से अधिक। हम कृष्ण पक्ष में कब है? जब हमारा भजन घटता है। और जैसे एक भी माला नहीं तो समझो अमावस्या की रात है, माधे वो हमारे अमावस्या की रात है। लेकिन भक्त जो है भगवान का दर्शन करने के बाद भी हरि नाम नहीं छोड़ते, क्यों? क्योंकि प्रभु जिस नाम के बल पे तूने मुझे दर्शन दिया, अगर उस नाम को छोड़ो तो लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? अगर निरंतर तेरा नाम चलता रहेगा, नाम जब चलता रहेगा तो उसका फल क्या होगा? तो मेरे पास हमेशा ही रहेगा, तू मेरे से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि तू नाम के अधीन है, इससे तो मेरे पास ही रहेगा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। क्योंकि हर एक के अंदर इनको सीताराम के दर्शन होते हैं, क्योंकि इनके भाव ऊंचे हैं इसलिए इनको सीताराम के दर्शन होते हैं। सारा खेल भाव का है। भजन जितना ज्यादा करोगे, धीरे धीरे करते करते भाव की अवस्था में आ गए, भाव फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। और प्रेम एक बार डूब के शरीर की सुध नहीं रही तो फिर आपको भगवान के दर्शन होने में कोई विलंब नहीं करना पड़ता, फिर शीघ्र हो जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा के, देखो इनके भाव, तुलसीदास कितने ऊंचे हैं, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, यदि सबको गंधर्व, सबको प्रणाम कर सकते हो, उनको हरि के अंदर सीताराम दिखाई देते हैं। 84 लाख यूनि में चार प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे खटमल वगैरह, अंडज जो अंडे से उत्पन्न जैसे मुर्गी वगैरह, उद्भिज, उद्भिज कहता है पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और जरायुज गर्भ से मनुष्य पशु जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। इन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चित्र अथा है, उसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात को लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की पर जगत पे जुड़ती छाछ भी नहीं। तो कहते हैं चाह तो बहुत ऊंची है प्रभु की, बहुत ऊंची चाह, लेकिन छाछ यानी पानी ज्यादा होता है जिसमें कहते हो मेरी योग्यता तो कुछ भी नहीं है।
सज्जन में डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। मतलब क्या है, छोटे बच्चे को ब्रावा बोलना नहीं आता, रोटी को टोटी बोलता है, ऐसे कई शब्द हैं जो गलत बोलता है। अभी दुष्ट लोग जो होते हैं वो मजाक करेंगे, देखो उसका बोलना नहीं आता। लेकिन माँ ने ये नहीं देखा कि ये क्या शब्द सही बोल रहा है उच्चारण के नहीं, माँ बच्चे के प्रेम को देखते, उसके भाव को देखते मुझसे बात कर रहा है, तो वो उसको बराबर वो जो वस्तु की आवश्यकता प्रदान करती है, रोटी तो रोटी देगी, पानी तो पानी देगी देगी, उसको पिलाएगी पिलाएगी, क्योंकि वो जानती है क्या चाहता है, भले बोल नहीं पा रहा बराबर, क्योंकि माँ बच्चे से प्रेम करती, इसलिए वो करेगी। हमारे प्रभु भी भाव प्रिय हैं, वो ये नहीं देखते कि आपका उच्चारण कितना सही है, वो ये नहीं देखते कि आप कितनी ऊंची भाषा बोलते हो, वो ये देखते हैं तो कितने प्रेम से बोलता है, बस उस प्रेम के वशीभूत होकर आप पर कृपा करते हैं। आप में कितनी योग्यता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु योग्यता को नहीं देखते, प्रभु क्या देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं, भाव आप प्रेम के अनुसार आप पर कृपा की जाती है। इससे ये बहुत बड़ी आशा की बात है, मान कि निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों के भूषण से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोषी प्या लगते हैं, हंसेंगे। यानी क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले जो केवल दोषी दर्शन करते हैं वो हंसेंगे कि देखो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसे बोलना भी नहीं आता। दुष्टों का ही स्वभाव है, वो ये नहीं देखते कि कम से कम प्रयास तो करें, इसकी इतनी ही क्षमता, इतनी योग्यता है, अपनी योग्यता क्षमता के साथ प्रयास तो करें, तुम तो कुछ भी नहीं करो, तब भगवान भी आपकी क्षमता को देखते हैं और आपके प्रयास को देखते हैं कितना करो। जरूरी कि आप दूसरे की नकल करो, उसकी तरह कर सको, आपकी क्षमता ही योग्यता नहीं, तब क्या करोगे। तो जितना है उतनी ईमानदारी से करो, प्रभु आपके प्रयास को देख के आप पे कृपा कर देते हैं। अगर देखा तो त्रिलोकी में किसी में कोई योग्यता नहीं है, जो है कृपा से चल रहा है, लेकिन प्रयास सबको करना जरूरी है अपनी क्षमता के अनुसार, और कृपा से जो होना होगा। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत पर बहुत नहीं है, बहुत कम है जो किसी की रचना को देख के खुश होता है। किसी का अच्छा तो लोगों की ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या के कारण ही निंदा करते हैं। जो इंसान बहुत अधिक निंदा करता है समझो वो ईर्ष्यालु इंसान है, नहीं तो वो कभी निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं होगी तो। ठीक है कमियां हैं तो क्या आप उन कमियों से रहित हो, क्या मुझे पहले बताओ। तुम दूसरे की चिंता क्या करो कि वो क्या करा, भजन करा नहीं करा, तुम ये चिंता करो कि तुम्हें अंदर कितना प्रेम उत्पन्न हुआ, तुमने कितनी उन्नति की, उसकी चिंता करो, वो टेंशन लो और सुधारो, उसकी चिंता मत करो, वो नरक में जाए, वो किस हुआ, उसके गुरु जाने, भगवान जाने, उसके कर्म उसको जो देंगे देंगे, तुम अपनी चिंता करो कि मेरे को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मैं उसका चिंतन करके अपना नुकसान क्यों कर रहा हूं, मुझे अपनी चिंता करनी, मेरा भजन कैसे बढ़े, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा, कब आएगा, जब मैं प्रभु के लिए व्याकुल होऊंगा, बगैर प्रेम के व्याकुलता नहीं, बगैर व्याकुल प्रभु नहीं मिलेंगे। तो मूल में प्रेम चाहिए, हे भाई जगत पे तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। तो मनुष्य की तुलना जल और नदी चाहे नदी से की गई है और तालाब से की गई है, क्योंकि नदी और तालाब में पानी तब होता है जब बारिश होती है, ये तो आषाढ़ के महीने में सूख जाती है नदियाँ ज़्यादातर, बारिश पड़ेगी तो उनमें खूब पानी दिखाई देता है। समुद्र से तो कोई विरला ही होता है सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूंद देकर दूसरे को उपकार देकर उमड़ पड़ता है। तो कहते हैं कोई विरला, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार आता है, यानी हाई टाइड आती है,
हाई टाइड होती है किसको, समुद्र में, किसको, चंद्रमा को दे। कहता है कोई विरला ही इंसान होएगा जो दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होता है। मुझे मिले, मेरे अलावा किसी और को ना मिले, यही स्वार्थ परायण है और यही कला का कारण है। मेरे को मिले, दूसरे को, किसी और को पता भी न चले कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ये गन भी नहीं पता चाहिए मैं कौन सा गन पढ़ाऊँ क्या कर रहा हूँ, मेरी विद्वत्ता बनी रहे, मैं सबसे श्रेष्ठ कहलाता रहूँ। यही हमारे अहंकार और स्वार्थ दिखता है कि हमारे जो मिले स्वार्थ प्रेम नहीं, कोई दया नहीं, हम कितने स्वार्थ अहंकारी है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि दूसरा उन्नति मेरे से आगे कैसे बढ़ सकती, क्यों नहीं, हर एक को अधिकार है आगे बढ़ने का, भगवान की कृपा और उसका प्रयास से जीव आपसे कई गुना आगे बढ़ जाता है। हम कई जगह पढ़ते भी है, प्रमाण भी है कि जो भक्त और जो शिष्य होते हैं गुरु से आगे बढ़ जाते हैं। अगस्त्य ऋषि को राम के दर्शन सुदर्शन जी ने कराए थे, वो तो शिष्य थे, तो उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दी। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जो गुरु है वही उसको वही ज़्यादा कृपा होगी, उसको पहले मिलेगी और शिष्य को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कोई कह सकता। ये तो भाव की बात है, किसका कब प्रेम जागृत हो जाए, किस रूप में, और कोई भी कृपा ले सकता है पहले, कोई नियम नहीं है। चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो, किसका कब प्रेम किस रूप में उमड़ पड़े कोई नहीं कहता। और प्रेम के वशीभूत प्रभु हैं, किसके पूजन के क्या संस्कार है हम नहीं जानते, कितनी कमाई कर क्या हम नहीं जानते हैं, और उसको कृपा मिल रही है बस अभी। तो कहते समुदाय कोई विरला था जो दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होता, ज्यादातर लोग नहीं होते, क्योंकि क्योंकि देखो सारा खेल या कि भजन में अगर आए भी है ना तो गूढ़ता से भजन नहीं करे ईमानदारी से, इससे हृदय परिवर्तन है। अगर गूढ़ता से ईमानदार से इंसान भजन करे, माने कि मेरे अंदर कमी है, सुधरने की चेष्टा करे और खूब नाम जप करे, गारंटी वह सुधरेगा सुधरेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका स्वभाव ना बदले। मेरा भाग्य छोटा और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने में हंसते से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। तो कहते क्यों हित होगा भैया, क्या बात है, कहते कि देखो मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे कठोर कहते हैं, यानी जो मनुष्य राम राम करता है, जो मनुष्य हरि कथा करता है, उसको लोग मजाक ही उड़ाया जाता है संसार में। तो कहते जब कोई मेरी निंदा करता है, मेरा मजाक उड़ाता है, उसका फल क्या होता है, वो मेरे सारे अवगुणों को अपने सिर पे ले लेता है, यानी बगैर भजन के मेरे पाप कम हो जाते हैं और ज़्यादा मुझे प्रेशर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने मेरे कर्म अपने ऊपर ले लिए, वो दया का पात्र हो गया। दूसरा चीज कहते हैं कि मैं जब राम राम करता हूँ वो मुझे देख के हंसते हैं, तो कहते हैं इस पर दुख वाली क्या बात है, क्योंकि आप सोचो कि आपको देख के उसके चेहरे पे प्रसन्नता आई, ये खुशी की बात है ना, आपका चेहरा देख के कोई रोए तो आप कितने दुखी हो गए। आप क्यों चाहते हैं कि लोग मेरा चेहरा देख के दुखी हो रोए, आपका चेहरे देखो खुश है तो खुशी की बात है। तो राम राम में कितनी पावर है, आप करते तो सामने हंसता है, अरे इसको हंसाने की क्षमता तो रखता है प्रभु का नाम कि दूसरा, तो इसमें खुशी की बात है, दुख मानने की जरूरत ही नहीं आपको कि आप दुखी क्यों हो रहे हो। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहो को हंसते हैं, वैसे मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। तो बगुले हंस को मेढक पपीहे को, मेढक की आवाज़ कितनी खराब होती है, पपीहे को हंसते, वैसे ही दुष्ट लोग हैं वो निर्मल वाणी को हंसते, जो राम गुणगान करता है उसका मजाक करते हैं, और इसी बहाने उनके मुख से राम राम तो निकल जाता है, चाहे मजाक के तौर पे, चाहे व्यंग के तौर पे, चाहे कैसे भी मुख से राम राम निकले, आपकी शक्ल देख के क्यों निकलता है, क्योंकि आप भजन करते उसके पाप कम होते हैं, उसके मुख से राम राम निकलता है तो उसका उद्धार का समय आ गया समझो, उसका इनडायरेक्टली उद्धार होने वाला आप उसके वजह,
आपको यह सुनना चाहिए उसका, अगर मेरी शक्ल देखकर उसके मुख से हरिनाम निकल रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की कितनी कृपा मेरे पर, मेरी शक्ल देख के मुख से उसका हरिनाम निकलता है और वो करना शुरू कर देता है। वैसे तो वो करता नहीं है, वो करने वाला भी नहीं, मेरे सामने ही वो करता है, चाहे वो मजाक के तौर पर करे, हरिनाम तो करे, उसका उद्धार तो हो जाएगा, उसके पाप तो कटेंगे, धीरे धीरे प्रभु उसको खुद अपनी ओर खींच लेंगे। देखो कथा कैसे दृष्टि देती है हम लोगों को, हर पल से जिस पर हमको गुस्सा होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, ये दृष्टि देती है, भैया एक खुशी की बात है, दुखी मत होइए। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। कहते कोई बात नहीं, ना आपको कोई प्रेम है, ना कोई आपको कविता में रस है, तो भी आइए हरि नाम करिए, कथा सुनिए, तो आपको उस पर आनंद ही आएगा। चल हंसती आ जाओ, चल अच्छा ये सुनो, कथा सुन के आपके चेहरे पे हंसी तो आई, दुखी होकर तो नहीं जा रहे घर पे, हंस के ही जा रहे हो। प्रथम तो यह भाषा की रचना, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे वह हंसने योग्य है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। कहते भाषा यानी अवध भाषा है ये, जो पूरब यूपी या बुंदेलखंड की भाषा ही है, तो कहते ही तो लोक भाषा में कथा लिख रहा हूँ मैं तो और ये मेरी बुद्धि भोली है, कहते हंसने योग्य है, हंसने में कोई दोष नहीं है। कम से कम मुझे खुशी है कि मेरे को देखे आपके चेहरे पर हंसी आ गई, ये खुशी की बात है मेरे लिए, दुख की बात तो है ही नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, कुतर्क का मतलब संदेह, संदेह नहीं करना, भगवान की कथा पे विश्वास करो, संदेह नहीं करो और काटने की चेष्टा भी मत करो। अपनी बुद्धि, बुद्धि का विषय नहीं है ये, श्रद्धा का विषय, ये जितनी श्रद्धा रखोगे, जितना समर्पित होगे, उतनी आप कृपा ज़्यादा मिलेगी, बुद्धि चलान से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि सीमित है और भगवान अनंत है, सीमित बुद्धि से अनंत को नहीं जा सकते। दूसरी आप प्रकृति के अंदर, प्रकृति से परे हैं, प्राकृतिक बुद्धि से अप्राकृतिक को कैसे जाना जा सकता, नहीं जाना सकता, उनकी कृपा से ही आप उनको जान सकते हो, उनकी कृपा से ही जान सकते हो, अन्यथा नहीं जान सकते। इसलिए बुरा मानने की, गुस्से खाने की जरूरत नहीं आपको। और कहते हैं और जिनको भगवान के हरि और शिव में प्रीति नहीं उनको, और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो जिनकी प्रीति है और बुद्धि कुतर करने वाली, उन्हें श्रीवन की कथा मीठे, उन्हीं को ये कथा अच्छी लगेगी, क्योंकि शिव भक्ति का फल है राम के चरण प्रेम उत्पन्न होना और राम भक्ति का फल है शिव के प्रति प्रेम होना। क्यों? क्योंकि शिव की कृपा से ही हमको हरि मिलती है। अगर आप शिव जो परम वैष्णव माने जाते उनसे ही आप वैर विरोध करोगे तो राम कृपा कभी नहीं मिलेगी। और अगर उनकी सेवा करोगे, उनकी सेवा क्या है, शिव जी कहते हैं हे उमा मैं अपना अनुहारी का भजन सत्य है, हर कांड में कहते राम राम कर, मन को प्रभु में लगा प्रभु का भजन कर, सारे कुतर कुतर छोड़ और राम नाम का जप कर, यही तो कहे सारी रामायण कर शिव जी, तो उनकी आज्ञा मानना ही शिव की सेवा है, यानी हरिनाम करना ही शिव की सेवा है, क्योंकि शिव की यही आज्ञा है हर कांड के अंदर कि जीव हरिनाम करे, यही उपदेश वो पार्वती को सुना रहे हैं और यही उपदेश उन्होंने सबको दिया है। हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात हमें सामने आएगी, हम शिव के भक्त कब है जो शिव की आज्ञा माने, शिव की आज्ञा क्या है, हम हरि नाम करें, हरि कथा श्रवण करें, तो हम शिव के भक्त है, तो शिव के अगर भक्त बन गए तो राम की कृपा अवश्य मिलनी मिली, क्योंकि शिव जी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है शिव जी, ये मेरा ये जो भक्त आया है, एक तो ये मेरी आज्ञा मानता है, दूसरी मेरे प्यारे का नाम का कीर्तन करता है, मेरे प्यारे की कथा मुझे सुनाता है, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा है, उनके इष्ट कौन है, राम जी है, तो उनकी कथा सुनाता है, उनके नाम का जप करता है, आप तुरंत उनके कृपा दृष्टि के पात्र बन जाते हो शिव जी के। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे।
तो क्या है, राम जी की भक्ति से भूषित है पूरी कथा। यानी हर कांड में आप पढ़ लो, प्रेम ही प्रेम मिलेगा, भक्ति ही भक्ति मिलेगी। इतना प्रेम, इतने ऊंचे भाव होंगे, कोई भी इंसान भक्त बन जाता है अगर से कथा को ध्यान से सुनाए पूरी कथा ईमानदारी से ध्यान से, भक्त बनी गए गए बनेगा। मैं ना तो कवि ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कला तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, यानी अलंकार का मतलब कौन से शब्द लगाने से और सुंदरता बढ़ जाती है, तो अलंकार उसको बोलते हैं। अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्द को सत्य सत्य कहता हूँ। कहते मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कैसे कविता लिखे, कौन से शब्दों का प्रयोग, कौन से छंद, कौन से भाव, कौन से रस, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें कोई गुण नहीं, एक गुण है इनमें बस, जगत पर से एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। तो क्या है इसमें जो गुण जिसके कारण इसको सुनना चाहिए? कहते इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों का सार, कल्याण का भवन और अमंगलों को हरने वाला है। मतलब क्या है कि प्रभु का नाम इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, ऐसी कोई दोहा नहीं, कोई चौपाई नहीं जिसपे र और म शब्द नहीं आता। भले राम नाम इकट्ठे ना भी आता है, र और म शब्द तो आते ही आते हैं। यानी पूरी जो राम कथा राम नाम से भूषित है, उससे भरी हुई है। पर यही है सबसे बड़ा गुण है कि इसे प्रभु का नाम है, जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों का सार, वेद पुराणों को मथने से क्या सार निकला, हराम नाम, हमारे हरि नाम। अगर आप महाप्रभु से पूछो, जबकि उनके विद्यार्थियों उनके शिष्यों ने पूछा, विद्यार्थियों ने कि हमें आप ज्ञान तो दे रहे शास्त्र सम्मत को, कहते सारे शास्त्रों का ज्ञान कृष्ण नाम है, ये सब महाप्रभु कहते। तो यानी शास्त्रों का सार हरि नाम ही है। अगर हमने सारे शास्त्र पढ़े और हरिनाम नहीं किया, मतलब कि हमको शास्त्र समझ ही नहीं आए। अगर समझ आए होते तो भजन में लगते, भजन क्या है हरिनाम करना, हरिनाम में लग गए होते थे। और वेद और कल्याण का भवन, यानी हरिनाम ही जीव का मंगल करता है, कल्याण करता है और अमंगलों को हरने वाला है, सारे अमंगल खत्म करते। मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरे पर शनि का ग्रह, मेरे पर राहु का ग्रह, ये पितृ दोष है, वो दोष है, मंगल का है, सारे सारे दोष, सारे जो ग्रह है केवल हरि नाम से शांत हो जाएंगे। चाहे वो शनि का ग्रह हो, चाहे आप मंगल का ग्रह हो, चाहे वो राहु का ग्रह हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे जो सर्प दोष हो, सारे दोषों का निवारण हरि नाम से हो जाता है। इतना पावरफुल हरि नाम भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है। तो यानी जब हम नाम लेते हैं, भगवान का नाम अवतार होता है हमारे जीवा के ऊपर, नाम अवतार होता है। तो जब प्रभु आते हैं तो हम पढ़ेंगे अवतार के समय योग लग्न ग्रह वातिथि अनुकूल होते हैं। क्या लिखा, योग लग्न ग्रह वातिथि, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, सारे ग्रह वातिथि सब ठीक एक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो जब नाम आएगा जो प्रभु से अभिन्न, तो आपके ग्रह वातिथि सब ठीक नहीं होंगे। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो मैं नाम जप रहा हूँ ये प्रभु से अभिन्न है, भिन्न नहीं, अलग नहीं है। नाम अवतार में ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। शास्त्र में लिखा है जिसको नाम पे भरोसा नहीं वह अन्य साधनों का आश्रय लेता है। जो नाम निष्ठा, जिनको नाम पे पूर्ण भरोसा है, उसके लिए नाम ही सारे काम कर देता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई पाठ करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ पढ़ने चाहिए लीला चिंतन के लिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए भाई अपनी जीवा पे ये भाषा चढ़ जाए और पवन के लीला का चिंतन होए। लेकिन सबका सार है हरि नाम। एक घंटा जरूर पढ़ो, क्योंकि लीला चिंतन होएगा आपको, भाषा जीवा पे चढ़ेगी, विचारधारा ग्रंथ के अनुसार हो जाएंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। लेकिन उसका अंतिम सार है हरि नाम, राम नाम जपना। उसको करने के बाद और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।
कोई भी पाठ जब किया जाए उसके बाद उस पर जो दोष रह जाते, कमी रह जाती है, वह हरि नाम से ही पूरी होती है। अगर हरि नाम से ही मंत्र जाप सिद्ध होता है, हरि नाम से ही यज्ञ सिद्ध होता है, हरि नाम से, तो फिर हरि नाम को छोड़कर क्यों कर रहे हो? और भगवान स्वयं कहते हैं सब यज्ञों में से जप यज्ञ में हो, 10वें अध्याय का 25वां श्लोक भगवद गीता का। तो सब यज्ञ, तो आप जितना नाम जप करो उतने यज्ञ तो आप करो, और कितने यज्ञ? कहते हैं हजारों अश्वों में हजारों यज्ञ कर चुके हैं, दक्षिणा समेत जिसकी जीवा पे हरिनाम रहता है उन्हें हजारों यज्ञ दक्षिणा समेत कर दिए। केवल यज्ञ उन्हें सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, ऐसा कोई तीर्थ नहीं रह गया जिस पर से स्नान नहीं किया, उसको विश्वास की बात अलग है। लेकिन लेकिन ये भागवत पे लिखा, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ खोल के, कि हरिनाम करने से सारे तीर्थों का फल आपको मिल जाता है, सारी विद्या का फल मिल जाता है हरिनाम करने मात्र से। और कहते हैं सारे व्रत, लाखों तीर्थ, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा, ये सब इतनी मेहनत से कर लो फिर वो कृष्ण नाम के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं, तो सोचो कितनी पावर है कृष्ण नाम में, वो 16वां हिस्सा भी नहीं। तो हजारों व्रत रखो, लाखों वेद पाठ कर लो, सब कर लो, सैकड़ों प्रदक्षिणा कर लो, अगर वो कृष्ण को 16 अंश नहीं है तो फिर रात दिन नाम जप क्यों नहीं करते? फिर शास्त्र को समझो, केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, इसको समझना चाहिए उसका फल क्या है। इसे कहा कलयुग केवल नाम और कलयुग केवल पाठ हरा नहीं किया, क्योंकि पाठ में जो कमी रह गई वो भी नाम से ही शुद्ध होती है, पूर्ण होती है। तो इसे रात दिन जी को हरिनाम करना चाहिए, हरिनाम के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हरिनाम हर परिस्थिति में किया जाता है, आप बाथरूम में हो, शौचालय में हो, उधर भी हरिनाम कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। बगैर नहाए कर सकते हो, कोई मर गया है, कोई पैदा गया, हरिनाम में कोई सूतक नहीं लगता। मैं बार बार कहता कोई सूतक नहीं, हरिनाम में नहीं लगता, हर परिस्थिति में किया जा सकता है। शुद्धि अशुद्धि का विचार भी नहीं होता, उल्टा जिस शरीर से भजन हो वही शरीर शुद्ध है, जिस शरीर से भजन हो नहा के भी वो अशुद्धि है, नहा के भी आप अशुद्ध होकर भजन नहीं करो, और भजन करो नहीं भी नहा सके तो भी आप शुद्धि शुद्ध हो। भाई आयचम बीमार हो, बहुत बुखार है, असमर्थ हो, नहीं नहा सकते तो बात कोई बात, फिर भी जाप तो कर सकते हो, ये तो नहीं कि बिस्तर पड़ो हॉस्पिटल में, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाप करते जाइए, नहाना जरूरी अच्छी बात है, संध्या वंदन के लिए तिलक करना उस लिए शरीर से दुर्गना उस दृष्टि से ठीक है नहाना, लेकिन कोई बीमार है, रोगी है, स्थिति खराब है तो क्या वो हरिनाम नहीं करेगा? वो भी वो कर सकता है। भाई नींद खुल के 3 बजे आप 6 बजे नहाना को कोई बात नहीं, 3 से 4 हरिनाम कर लो, बाद में नहा लेना, क्या फर्क पड़ता है? नाम जप करो, जैसे समय मिलता टाइम मिलता नाम जप करो। जिन्हें पार्वती जी से भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं, पार्वती शिव जी के संग निरंतर राम नाम जपती है, हम पढ़ेंगे आगे नाम महिमा में, इसलिए उनको शिव जी ने अपना आधा शरीर प्रदान किया है, इससे वो अर्ध नारीश्वर कहलाते हैं। इस राम नाम की वजह से पार्वती को शंकर जी का आधा शरीर प्राप्त हुआ, वो जानती है कि राम नाम की महिमा क्या है। जो अच्छे कवि के द्वारा रची बड़ी अनूठी कविता है वो राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती, जैसे चंद्रमा के स्वमुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर मुख हो, अगर उसके शरीर पे वस्त्र ना हो वो देखने लायक नहीं है। तो जिसके मुख में राम नाम नहीं वो मनुष्य देखने लायक नहीं है, मतलब ये चाहे वो कितना भी सुंदर हो अगर मुख में राम नाम नहीं वो देखने लायक, वो पाप कर्म करने वाला होगा, क्योंकि जो भजन नहीं करेगा तो पाप कर्म करेगा, वो देखने लायक नहीं है। जो राम नाम जपता है हरिनाम करता है वही देखने लायक है। तो किसी कवि ने कविता लिखी, वो कविता नहीं अच्छी नहीं है जैसे होनी चाहिए, लेकिन उस पर अगर 70-80 बार राम नाम आता है तो भी वो वंदनीय है, क्योंकि उसको पढ़ने से मुख से राम नाम निकलता है। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों सहित
कविता को भी राम नाम एवं यस्य अंकित जानकर बुद्धिमान आदर पूर्वक कहते सुनते हैं, क्योंकि समय भौरे के भांति गुण ही को ग्रहण करते हैं। तो कविता अच्छी ना हो अगर राम नाम से भूषित है तो लोग बार बार पढ़ते हैं, बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर है, लेकिन एक दफा भी राम नाम नहीं वो देखने लायक नहीं है। एक दफा भी राम नाम नहीं मतलब कि कविता की सुंदरता भी राम नाम से ही है, हरि हरि लीला से हरि गुणगान से ही है। अगर हरि गुणगान नहीं, राम नाम नहीं, वो कविता बेकार है, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो संसार की दृष्टि में, और अच्छी कविता ना भी लिखी हो, लेकिन राम नाम 60-70 बार आता है वो पढ़ो बार बार, क्योंकि राम नाम से तुम्हारा मंगल होने वाला है। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इस पर श्री रघुनाथ जी का प्रताप प्रकट है। कहते कविता का रस नहीं है लेकिन प्रभु का प्रताप वो तो दिखाई दे रहा है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, यानी कोई भी कोई बड़ा हुआ है तो अच्छे संग से हुआ है। मैं राम नाम का जप करता, राम का संग करता हूँ, इसलिए मेरे में अंदर सद्गुण आए हैं, इसलिए मेरे को मान सम्मान मिलता है। ये प्रभु की देन है, उनके नाम की देन है, इस पर मेरी कोई विशेषता नहीं है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, धुआं अगर के साथ मिल जाए तो कड़वापन छूट जाता है। तो उसी प्रकार भक्त प्रभु के लीला में चले जाइए, नाम प्रवेश कर जाइए, अपने आप आप देखोगे आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। जितनी आप प्रभु की कथा सुनोगे या पढ़ोगे और नाम जप करोगे उतना स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देगा। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इस पर जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। कहते कविता की दिशा एकदम भद्दी है, लेकिन इस पर राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे ये अच्छी समझ, क्योंकि प्रभु की कथा है, राम का यश, इससे अच्छी लोग मानेंगे इसको। यानी अच्छापन किससे है? प्रभु के यश के कारण आया, प्रभु के नाम के कारण आया। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवायु नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से, यानी चाल टेढ़ी है मतलब कि अलग अलग मोड़ लेती है, किधर शिव की कथा रही, किधर नर की कथा रही, किधर राम का जन्म हो रहा है, कभी किधर वनवास हो रहा है, जैसा विवाह हो रहा है, वह अलग अलग मोड़ लेती है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदरता सन्नों के मन को भाने वाली हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का यश है इससे यह सुंदर है और सन्नों के मन को अच्छी लगेगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। मतलब क्या है? राख राख तो आप लोग जाते हैं किसी को जलाने के लिए तो आप कहते हैं तो अपवित्र हो गया, स्नान करना चाहिए घर आके, जो राख को स्पर्श करके है, वही राख जब शिवलिंग पे चढ़ती है उसको विभूति मान के सिर पे धारण करते हैं। संग का प्रभाव, चीज कितनी भी बेकार हो अगर श्रेष्ठ से जुड़ जाती है तो उसकी कीमत हो जाती है। यानी प्रभु से जुड़ जाओ, सारे अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। जो भी कमी तुम्हारे, कोई समस्या नहीं, समझो कमी के मेरी बहुत अधिक आसक्ति संसार में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसक्ति भगवान से बढ़ा लो, बस वो भक्ति बन गई, अपने वो आसक्ति खत्म हो जाएगी। कामना बहुत अधिक है, भगवान की कामना बढ़ा लो, कथा सुनने कामना और जाप की कामना, प्रभु के दर्शन कामना, अपने संसारी कामना खत्म हो जाएंगे। लोभ है संसार में, प्रभु की कथा का लोभ और मिले जिधर जो मैं लूं नाम का लोभ, संसार का लोभ खत्म हो जाए। ये सारी बुराइयां ईश्वर से जुड़ने से अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाती है। कोई चीज को त्यागना नहीं, केवल दिशा को बदलना है। जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में अपने को ईश्वर से जोड़ो, बस हम इतना ही बोलते हैं। जो भी कमी है उसको ईश्वर से जोड़ दो। संसार में आसक्ति को मोह कहा गया, वही आसक्ति भगवान के चरणों से भक्ति कहते हैं। क्या इधर सीधे तुम दिशा तो मोड़ी है, भक्ति बन गई, आसक्ति भगवान से जोड़ने चाहिए। तो
शंकर जी ये राख को धारण करने के कारण है, एक तो ये कि भी चलो हमने तो बताया कि शिव से जुड़ने से वह विभूति बन जाती है तो पंडित हो जाती, तो शंकर जी राख क्यों धारण करते हैं? क्योंकि शंकर जी ने एक बार देखा कि हजारों लोग जा रहे हैं किसी संत के अर्थी को लेके, वो संत जो थे प्रभु के नाम उपासक थे, उनके शिष्य भी उनकी अर्थी लेके जाते तो खूब राम नाम का जप कर रहे थे, राम नाम का जप कर, तो शिव जी राम नाम को सुन के बड़े प्रसन्न उस में सम्मिलित हो गए। जैसे उसको संत को जला के वापस आते हैं तो एक मनुष्य के मुंह से भी राम नाम नहीं निकलता। शंकर जी को देख कर बड़ा दुख हुआ, अरे जिस मनुष्य ने जीते जी जो है लोगों से राम नाम जपाया और मरने के बाद भी जिसके प्रभाव से हजारों के मुख से राम नाम निकला, कहते ऐसे मनुष्य की राख तो सिर पे धारण करने लायक है, इस तरह से उसको राख को लेकर सिर पे लगा लिया। क्यों? क्योंकि राम नाम जप करता था, उसकी राख को उन्होंने सिर पे लेकर लगाया। तो राख जैसे अपवित्र चीज पवित्र होता है, महाकालेश्वर देखो राख का अभिषेक तो होता है, राख का तो अभिषेक होता है महाकालेश्वर, मतलब क्या है वही राख जब शिवलिंग से जुड़ती है तो वो परम पवित्र हो जाती है और सिर पे धारण। इसलिए शेष का संग करो, प्रभु का संग करो, प्रभु के नाम का संग करो अगर शेष बनना है तो। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, प्रभु के यश के संग से कथा मेरी बहुत अच्छी लगी, जैसे मल्ले पर्वत के संग से काश मतलब चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काट की तुष्टता का विचार करता है? तो मतलब क्या है, लकड़ी तो पूरे विश्व में है लेकिन मल्ले पर्वत की विशेषता क्या है, वहाँ पे चंदन की लकड़ी है, इसलिए उसको संभाल के रखा जाता है, उसकी कीमत क्या चंदन के कारण है। उसी प्रकार मेरी कथा की कीमत क्यों है, क्योंकि प्रभु का यश इसके अंदर गाया गया है, इसलिए ये चंदन की तरह कीमती है। तो ये नहीं बोलता कविता ये राम कथा है, राम का यश गाया गया है, यदि इसको संभाल के रखना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल आभर गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग इसे पीते हैं। भैया जब आप दूध पीते हो ये तो नहीं पूछते काली गाय का सफ़ेद गाय का, कि गाय तो गाय है क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दूध से प्रयोजन है। उसी प्रकार प्रभु की जो गुणगान है जो मर्जी भाषा में करो, ये नहीं कि मुझे संस्कृत ही आनी चाहिए, आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मराठी पंजाबी गुजराती सिंधी हिंदी अंग्रेजी जो भाषा में गुणगान कर सकते गुणगान करो, प्रभु को सारी भाषा आती, प्रभु आपके भाव को देखते हैं। ये नहीं कि यही भाषा में हमें गुणगान करना, ऐसा नहीं होता, आपको जो मर्जी भाषा आती हो उस पर गुणगान करो, लेकिन नाम जप करिए। इसी तरह ग्वारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के इसको बुद्धि मानो बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो क्या है ग्वारू भाषा, कहते हैं यावत की भाषा है, उधर के घर घर में ही बोली बोली जाती है। तो क्या कहते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो कहते हैं बड़े चाव से इसे गाते और सुनते हैं। ठीक है, इसको मैं विश्राम करता हूँ, अगली बार कथा करेंगे, कीर्तन भी करना है। वांछा कल्पत्रु भेष कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।